जय हिंद। मेरा नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है और मेरा खानदान फौज में पिछले 200 साल से खिदमत कर रहा है। मेरे वालिद साहब इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदे से रिटायर हुए थे और फिर बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। तब उन्होंने उस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नंबर वन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री के अहदे पे वो ले आए थे एज रैंक बाय टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2003 से 2005 तक जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में पोस्टेड था। हम सब कश्मीर के इशू पे बात करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे कि ये वजह, ये प्रॉब्लम कश्मीर में क्यों हुई है, इसका सल्यूशन क्या है, क्या इसका हल कभी सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्या इसका हल हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, पिछले की गवर्नमेंट्स हल निकाल नहीं पाई है, क्या ये गवर्नमेंट इसको हल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। खैर, मैं आपको बता दूं इसका हल इतना सरल, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। बट टू अंडरस्टैंड द मेन प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज अकर्ड। अनलेस वी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री वी विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर एंड फाइंड सॉल्यूशन टू दैट। जैसे कि कुछ भी बीमारी का इलाज करना पड़ता है, पहले हमको उस बीमारी के बारे में सोचना पड़ता है कि क्यों है, क्या है, कब हुई, उसकी हिस्ट्री मालूम करेंगे तभी तो हम उसकी दवा कर पाएंगे ना। बिना बीमारी सोचे समझे हैं, अगर हम एक कॉमन पैरासिटामोल खा रहे हैं और हुआ जॉन्डिस है और हम बुखार नहीं उतर रहा है तो वो इलाज नहीं हुआ। असल इलाज क्या है कौन बताएगा? जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं फौज में 202 साल वहां पे रह चुका हूं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल में या इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। क्योंकि 2003 में सीज फायर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मतलब क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और फायरिंग पे ट्रूथ था, फायरिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर वायलेशन कभी कभार हो जाते हैं। उन दौरान तो हर रोज फायरिंग होती थी वहां पर, मैं वो दौरान देखा है और वो दौरान सीज फायर के बाद भी देखा है। जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल में रहते हैं उनकी जिंदगी सोचिए आप। फायरिंग के दौरान, खास तौर से आर्टिलरी शेलिंग के दौरान, उनके खानदान वाले, यू सी योर न्यू, योर लव नियर एंड डियर वंस डाइंग एवरी डे, द फील्ड्स यू आर वर्किंग ऑन, आपने बीज बोया, खेतों में गए, मेहनत करी, फसल काटने का टाइम आ रहा है, शेलिंग हो गई, आपकी पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई। सरकार आपको कॉम्पेंसेशन दे सकती है फॉर योर हाउस गेटिंग डैमेज्ड, बट इफ योर होम गेट्स डैमेज्ड उसका क्या कॉम्पेंसेशन है? यू कैन रीबिल्ड द हाउस बट कैन यू रीबिल्ड द होम? आपको बताता हूं, एक छोटा लड़का था 10 साल का, हम फायरिंग कर रहे थे, वो अपनी जान की बाजी लगा के, जोखिम उठा के आर्टिलरी शेल्स के जो खाली खोखे होते हैं वो वहां से इकट्ठा करता था। बातों बातों मैंने पूछा उससे, बेटा आपके घर में कौन कौन है, क्या है? मैंने उसका मतलब नहीं पूछा कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है या कश्मीरी पंडित है या किसी कौन से कास्ट से है, नहीं, एक आम जम्मू कश्मीर का नागरिक है, एक बच्चा है, कहता है अंकल, ये तो मैं हैरानी हुई कि मुझे अंकल बोल रहे हैं, खैर कोई बात, क्योंकि मैं खुद क्या 24 साल का था उस टाइम पर। हमारा घर कम से कम 6 बार, उसके 10 साल की बात है, उसके 10 सालों में बिगड़ चुका है, उजड़ चुका है, दोबारा रीबिल्ड हुआ है, हमारी फसल जब काटने का टाइम आया उजड़ गई, हम ये खाली खोके लेके इकट्ठा करके स्क्रैप डीलर के पास, मेटल डीलर के पास बेचते हैं, वहां से कुछ पैसे आते हैं। और मैं चाहता हूं मैं पढ़ूं, लिखूं, डॉक्टर इंजीनियर बनूं, लेकिन नहीं, उसके पास वो रास्ता ही नहीं है, तो कहां जाएगा वो? अभी सरकार रिजर्वेशन देती है, पहले 3% था, अब 10% की बात हो रही है, जो मैं तो कहूंगा ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ फंड्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एनीथिंग, इट इज टू पुट देम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म विद द अदर्स, यू नीड टू गिव देम अ पुश, दे नीड टू बी प्रमोटेड, उनके अंदर वो चाह है, वो जील है कुछ आगे करने का।
आप सोचिए, जब पार्टीशन हुआ था 1948 में, बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था, उसमें आर्टिकल 370 और 35 अल्फा का जिक्र है। ये आर्टिकल क्या है, क्या बोलता है? हम लोगों को इसका इल्म नहीं है। बड़ा आसान है बोलना कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो या आर्टिकल हटा दो, इस आर्टिकल को अमेंड कर दो, एब्रिगेट कर दो, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, आर्टिकल 370 गिव्स स्पेशल प्रिविलेजेस एंड पावर्स टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बाय लैंड, ओनली दे कैन बाय लैंड, अ नॉन कश्मीरी लाइक अस कैन नॉट बाय लैंड। इट गिव्स स्पेशल प्रिविलेजेस एंड पावर्स फॉर कश्मीरीज टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन कश्मीर, अ नॉन कश्मीरी लाइक मी कैन नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब इन कश्मीर, फाइन। जब पार्टीशन हो रहा था तब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहती थी, बल्कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के पास पूरे रिक्वायरमेंट्स थे कि वो पाकिस्तान से जुड़े। क्यों? दो वजह थी इसकी खास तौर से। एक, उसकी प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान से करीबी थी, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर की वो मुसलमान थी, तो उनको लगा कि दैट वी आर क्लोजर टू पाकिस्तान एंड डिड नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। बट एट दैट टाइम महाराजा हरी सिंह, हु वॉज द रूलर ऑफ जे एंड के, वॉज देयर, एंड पंडित नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर। सो दैट आर्टिकल केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गेव देम अ टेम्पटेशन, अ फ्री, अ मोटिव टू ज्वाइन हैंड्स विद इंडिया एंड टू बिकम टू इंडिया। नाउ अब इसके ऊपर बहुत लोग बहस करते हैं कि ये आर्टिकल 370 टेम्पररी था कि परमानेंट था, बहुत लोगों को इल्म नहीं इसके बारे में, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, दिस वॉज एक्चुअली अ टेम्पररी अरेंजमेंट विद अ क्लॉज कि 10 साल के अंदर इस आर्टिकल में अमेंडमेंट होएगा, मगर क्योंकि 10 साल में अमेंडमेंट नहीं हुआ तो ये आर्टिकल, इसका जो क्लॉज था वो लैप्स कर गया। एज अ रिजल्ट दैट आर्टिकल 370 अपेरेंटली, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग गोज, बिकेम परमानेंट। Well, in 1961, even after 1971, Indo-Pak war, major war, there was no trouble with Kashmir and India. 81, there was no problem. In 1988, before that, they used to have something called a Sadr-e Riyasat, which meant Kashmir would have its own prime minister. We started meddling with the Article 370. And slowly and gradually, trouble started erupting in Kashmir. By early 90s, Kashmir was on a boil. Early 90s, Kashmiris, very unfortunately, I wish it had not happened, they forced the Kashmiri pundits out of Kashmir. Which again, there is a debate which was a propaganda or not, but that's what my understanding goes. Now, if we abrogate the Article 370 or 35 Alpha, which the government is promising to do, and which a lot of us are advocating that, let's integrate Kashmir into mainland, because of the article, they cannot identify themselves as Indians. They are differentiated. Well, it's perception again. Now, there are two theories to this. One is, you stick on to it, it's difficult to amend the constitution or to abrogate the article, or you make amendments, you abrogate the Article 370. But we have to understand it will definitely have repercussions on that. What are the repercussions? Kashmir was on a boil. We tried bringing in peace. Well, as a soldier, I feel we should win wars without fighting, and the only way forward is by winning hearts and minds, by getting them together. We should greet them, Kashmiris, on their festivals, on their occasions. They should be made to feel that they are very much Indians the way any of us are. A lot of Kashmiris do not, a few of them
may not identify themselves as Indians. No, why? And we make them villains. Why? We have to understand and analyze what is the bottom root cause of that. If we can catch the pulse there, इसकी खास वजह क्या है? हम इसका हल भी निकाल लेंगे. आपको मैं एक एनालॉजी देता हूं. एक लड़का था कॉलेज में, वो एक लड़की से मोहब्बत करता था. वो कहता है लड़की को, भैया हम शादी कर लेते हैं. लड़की कहती है, नहीं, मेरे को आजाद रहना है, कोई शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, करियर ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे नौकरी करनी है. तो लड़का कहता है कि भाई आप शादी कर लो मेरे से, आप नौकरी भी कर लेना, रो कौन रहा है. तो लड़की सोचती है कि भाई हाँ आप तो सही है, मैं शादी कर लेती हूँ और नौकरी की भी नौकरी करूँगी साइड बाई साइड. शादी हो जाती है, लड़की काम करती है, नौकरी करती है, एक साल दो साल. अग्रीमेंट क्या था? एक कमिटमेंट दी गई थी कि आप शादी कर लो, आप नौकरी भी कर लेना. दो साल के बाद हस्बैंड कहता है वाइफ से, आप नौकरी छोड़ दो, घर संभालो. लड़की कहती है, क्यों? आपने मेरे से कहा था आप शादी करके, आप जानते थे शुरू से ही मैं धोखे में रखा हूं कि मैं करियर ओरिएंटेड थी, मेरे को आजाद रहना था. लड़का कहता है, नहीं, ये टेम्प्ररी अरेंजमेंट था, ये दो साल का था कि आप तब तक नौकरी करोगी जब तक मैं नहीं कहता हूं, उसके बाद आप घर संभालोगी. नहीं, अब दोनों में रिफ्ट होगी कि नहीं होगी? अब दोनों में रिफ्ट शुरू हो जाती है. अब क्या होता है? एक तीसरा आदमी जो कॉलेज में इस लड़की से मोहब्बत करता था, वो नजरें डालता है लड़की पे कि भाई मियां बीवी की नहीं बट रही है, तो क्यों ना मैं बीच में हाथ आ लूं. वो है पाकिस्तान. दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, सो दे केम इन बिटवीन. Now the girl in this analogy is a beautiful girl, जो इसको हम कहते थे जो जन्नत है दुनिया में कश्मीर, right? This is called paradise on earth. अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है. खैर, और आज की तारीख में वही जन्नत को लोग कहते हैं जहन्नम बन रही है, लोग वहां टूरिस्ट जाने से डर रहे हैं. तो इसके सोल्यूशन क्या है? आप जरा खुद सोचिए. Let me tell you, the society will not change unless and until we change our own selves. हमको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी. हम बोलते हैं सरकार क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है. ना, दूसरे पे दोष देना तो बहुत आसान है. हम खुद क्या कर रहे हैं? What is our contribution to society? हमारी तरफ से क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी? हमें समझ ही नहीं है टॉपिक्स के बारे में. हम कॉन्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे फिक्शन, यस, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने देश की हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए. आप मानते नहीं मानते हैं? नाउ आई पर्सनली फील इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो दे डू नॉट वांट अ सॉल्यूशन टू कश्मीर. व्हाई? बिकॉज इसी कोई मुद्दा बना के तो इलेक्शन लड़ा जाता है. लोगों की कुर्सियां इस पर डिपेंड करती हैं. अगर सोल्यूशन आ गई तो हाउ वुड एनीवन, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट हाउ विल एनीवन ट्राई टू पोलराइज द सिचुएशन एंड टेक एडवांटेज आउट ऑफ दिस. तो सोचिए, इसका हल जैसे मैंने कुशू में कहा, मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है. इसका हल है सिर्फ हमारा माइंडसेट. इंटेलिजेंटली सोचिए इसके बारे में, एंड आई एम श्योर वी ऑल कैन मेक अ बिग डिफरेंस. एंड वी हैव टू नो वन थिंग, द इंडियन आर्मी और द इंडियन आर्म फोर्सेस इन कश्मीर आर नॉट फाइटिंग एन एक्सटर्नल कंट्री, एन एक्सटर्नल एनिमी. दे आर ओन पीपल, एंड दैट्स व्हाट वी हैव एन ऑप्स ऑफ भावना, विच मीन्स द इंडियन आर्मी ब्रिंग्स इन सिविलियंस, takes them on an all India tour, educates them about India. And apart from, you know, when the Kashmir floods happened, it's the Indian army who rescued Kashmiris. When there's a disaster, the army is called. But why is it that we as soldiers are being pelted by stone by the local Kashmiri youth? It's a wrong perception being created.
It is not the Kashmiri youth. These are nothing but pure daily wage earners who get paid for that, you know. जब पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 में, उस दिन शाम को एक फिदायन का वीडियो सामने आया था कि भाई जब तक आप मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा मैं जन्नत में होऊंगा और हूर मेरे पास होंगी. क्या बकवास कर रहा था वो. मैंने उसी दिन शाम को एक ओपन लेटर लिखा टू जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट. दो वजह थी इसकी खास. पहले, मैं जम्मू कश्मीर में सर्विस कर चुका था. दूसरी बात, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम समझता हूँ. जिहाद का मतलब क्या है वो मैं समझता हूँ. जिहाद का मतलब है स्ट्रगल. कोई बच्चा अगर बम्बई आता है अपने गांव से उठ के पढ़ने के लिए, वो उसका जिहाद है. जिहाद का मतलब ये नहीं है कि एक फॉर्चून कंधे पर लगा के जिहाद जिहाद और टेररिज्म कर रहे हैं ना. इतना खूबसूरत शब्द, इतना खूबसूरत लफ्ज, उसको बदनाम कर दिया गया है ऐसे टेररिस्ट आउटफिट्स ने जो इस्लाम के दोस्त बिल्कुल नहीं है, कतई दुश्मन है. अब हम बात करते हैं हाफिज सईद या मसूद अजहर की. मसूद अजहर का रोल 2001 पार्लियामेंट अटैक, 13 दिसंबर में जो पार्लियामेंट अटैक हुए थे, उसमें प्रूव हो चुका था. इंटरपोल ने उसको रेड कॉर्नर नोटिस दे चुका है 2004 में, 2016 में, लेकिन पाकिस्तान उसको बचा रहा है. चाइना उसको शील्ड कर रही है. चाइना ये नहीं समझती दैट दे आर एट द एंड ऑफ द डे ब्रीडिंग अ स्नेक व्हिच विल टर्न अराउंड एंड बाइट देम. वेल, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड इन द व्हाट हैपेंड अ फ्यू इयर्स अर्लियर, फ्यू डिकेड्स अर्लियर. When the Afghan-Russian war was taking place, America had backed the Mujahideens, the holy warriors. At that time, Osama bin Laden was just a Mujahideen. He was a holy warrior, so to say, being backed by America. But what happened in 2001? Osama bin Laden turned around and attacked America. And my take is, China, which is breeding a snake today because they were against the UN's policy of, you know, making, of declaring, I don't even want to take his name, but somebody from Pakistan a global terrorist. I don't know, I detest that person, you know, Maulana Masood Azhar. Maulana is supposed to be a very respected title, but when they were trying to name him a global terrorist, at that time, China was against this because they have the investments in the corridor there. They are being very short-sighted. They're not seeing in a long time. Ultimately, they'll meet the same fate. So anyway, I can go on talking about this, but I think I'll conclude here by saying the solution lies in us. The solution lies in our thinking. How we integrate Kashmir into India depend on us. All the best. I wish and I hope a solution to the Kashmir problems comes about very soon. Jai Hind.